सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बिहार के शेखपुरा जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप शेखपुरा जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। शेखपुरा जिला बिहार का एक ऐसा जिला है जो पूर्वी भारत के बिहार राज्य में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक शेखपुरा जिला के नाम से जाना जाता है। शेखपुरा जिला बिहार के दक्षिण भाग की ओर बसा है। इस जिले का हेडक्वार्टर शेखपुरा शहर में मौजूद है और शेखपुरा जिला मुंगेर डिवीजन के अंतर्गत आता है। शेखपुरा जिला पहले मुंगेर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में शेखपुरा को मुंगेर जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन 31 जुलाई साल 1994 में मुंगेर जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले शेखपुरा मुंगेर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुमंडल हुआ करता था। बिहार का शेखपुरा जिला 5 पड़ोसी जिलों के साथ घिरा हुआ है, जिसका नाम जमुई जिला, लखीसराय जिला, पटना जिला, नालंदा जिला और नवादा जिला है। जिस वजह से शेखपुरा जिला के पश्चिम भाग की ओर बिहार का नालंदा जिला और नवादा जिला, पूर्व भाग की ओर बिहार का लखीसराय जिला, दक्षिण भाग की ओर बिहार का नवादा जिला और जमुई जिला, उत्तर भाग की ओर बिहार का नालंदा जिला और पटना जिला से घिरा हुआ है। शेखपुरा जिला का इतिहास देखा जाए तो यह जिला लगभग 100 साल पहले एक महान सूफी संत हजरत मखदूम शाह ने शेखपुरा की स्थापना की थी। जब हजरत मखदूम शाह शेखपुरा आए थे तब उस समय यह इलाका चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। इन्होंने इस घने जंगल को साफ करके इसी इलाके में रहने लगे थे और दूसरे लोग भी यहाँ धीरे धीरे बसने लगे, जिस वजह से इस शहर का और जिले का नाम शेख साहब के नाम पर शेखपुरा पड़ा। मुगल शासन काल के समय शेखपुरा को सबसे पहले थाना का दर्जा मिला था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे एक बड़ी कोतवाली का दर्जा दिया गया और देश की आज़ादी के बाद शेखपुरा को ब्लॉक का दर्जा मिला। इसके बाद 14 अप्रैल साल 1983 को शेखपुरा को एक अनुमंडल बनाया गया था और अंत में 31 जुलाई साल 1994 को शेखपुरा को जिला घोषित किया गया था। शेखपुरा जिला में कोई बड़ी नदी नहीं है, पर यहाँ के कुछ छोटी नदी के नाम इस प्रकार हैं। सोमी नदी, कोहिहारी नदी, ताती नदी और रिजाउन नदी है। बिहार के दक्षिण भाग की ओर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 118 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शेखपुरा जिला में एक अनुमंडल, 6 प्रखंड, 6 अंचल, 2 लोकसभा जो जमुई और नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 2 विधानसभा, 11 पुलिस स्टेशन, 84 डाकघर, 1 जिला कोर्ट, 1 सदर अस्पताल, 1 नगर पालिका परिषद, 1 नगर पंचायत, 54 ग्राम पंचायतें, 2 शहर और 310 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 689 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शेखपुरा जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 1,700,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आबादी की बात करें तो शेखपुरा जिला जनसंख्या के हिसाब से बिहार राज्य का पहला सबसे छोटा और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे छोटा जिला है। शेखपुरा जिला का अभी मौजूदा समय में कुल आबादी 7,36,000 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार शेखपुरा जिला की कुल आबादी 6,37,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 3,30,000 है और महिला की आबादी 3,07,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 930 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 930 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 5,95,000 है, लगभग 93% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 38,000 के करीब है, लगभग 6% के करीब है।
शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है जिसके माध्यम से शेखपुरा जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, संजय गांधी महिला कॉलेज, रामधीन कॉलेज, चंद्रशेखर बाके नसीब कॉलेज और SKR कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 64% के करीब है। शेखपुरा जिला के 6,37,000 की आबादी में 4,07,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें की पुरुष 2,43,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 73% के करीब, और महिला 1,64,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 53% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो शेखपुरा जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 2,25,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 2,25,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 35% के करीब है। वैसे इस जिले की मुख्य व्यवसाय खेती है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। शेखपुरा जिला में इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती के फसलों द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति इनकम 14,600 के करीब है। शेखपुरा जिला के 689 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर तकरीबन 1,23,000 एकड़ में खेती का कुल पैदावार किया जाता है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का, मसूर और सब्जियां यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा इस जिले में कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और शेखपुरा जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। शेखपुरा जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार श्री विष्णु धाम, अरघौटी पोखर, गिरिहिंडा पहाड़, तेहरपुरा मंदिर और शेखपुरा जिला के हजरत शेख सोहेब बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। शेखपुरा जिला सड़क और रेल के माध्यम से बिहार और झारखंड के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 82 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। शेखपुरा जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम शेखपुरा रेलवे स्टेशन है, जो गया क्यूल लाइन पर स्थित है। शेखपुरा रेलवे स्टेशन इस सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। शेखपुरा जिला में सिर्फ दो ही रेलवे स्टेशन स्थित है।